ये 24 वाल का 6BT क्यूमिंस BS3 इंजन है और इसमें टेपेट सेटिंग का जो अरेंजमेंट होता है तो इनलेट वाल पे 0.25 mm और एग्जॉस्ट वाल पे 0.50 mm का क्लियरेंस हम रखते हैं। इस तरह से ये छोटा जो रोकर है, इसे रोकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रोक डांस करता है इंजन स्टार्ट होने पे, ऊपर नीचे करता है, रोक डांस के स्थिति में वो वर्किंग करता है, इसलिए इसे रोकर बोलते हैं। और ये पुश रोड है और इसके ठीक नीचे ये जो पुश रोड है वो जाके हमारे इस टेपेट में लगता है, इस टेपेट के होल में बैठा रहता है। और इसका पीछे का जो सिरा होता है वो केम शाफ्ट पे जाके लगता है, तो केम शाफ्ट और इसके बीच में हमें क्लियरेंस रखना पड़ता है क्योंकि अगर इंजन गर्म होगा तो पुश रोड लोहे का है, थोड़ा साइज बढ़ेगा, और वाल गर्म होगा तो वाल का साइज बढ़ेगा। और इसके और केम शाफ्ट के बीच में अगर क्लियरेंस नहीं रहेगा तो ये हमारे वाल को दबा के रखेगा। लेकिन जो लो स्पीड के इंजन है, जैसे ये, इसे हम लो स्पीड का इंजन इसलिए बोलेंगे क्योंकि केम शाफ्ट, पुश रोड और ये टेपेट, इसका अटैचमेंट डायरेक्ट जो है, वाल का अटैचमेंट डायरेक्ट केम के साथ नहीं है। अगर केम के साथ होगा तो RPM ज़्यादा होने पे भी वो सही सही काम करेगा। और ये स्लो इंजन है इसलिए इसमें बड़ा है। और ये जो रोकर देख रहे हैं, रोकर, ये रोकर है और ये पुश रोड है, इसके बीच में क्लियरेंस रखने के लिए यहाँ पे हम जाके सेटिंग नहीं कर सकते। ये केम शाफ्ट और ये टेपेट के बीच में यहाँ पे हम सेटिंग नहीं कर सकते, तो इसका सेटिंग का अरेंजमेंट यहाँ ऊपर से दिया हुआ है। तो टेपेट को, इस टेपेट का क्लियरेंस हम यहाँ से सेटिंग करते हैं सेटिंग स्क्रू से। तो कभी भी टेपेट सेटिंग करने के लिए इंजन का टॉप कवर खोलते हैं और उसके बाद यहाँ पे वाल का अरेंजमेंट के हिसाब से इनलेट वाल पे 0.25 mm का क्लियरेंस रखते हुए साथ साथ में हमें पुश रॉड फ्री रखना है, पुश रॉड को गोल घुमाना है। अगर ये मुड़ा हुआ होगा, टेढ़ा होगा, तो ये अटक जाएगा, पूरा गोल गोल नहीं घूमेगा। और यहाँ क्लियरेंस नहीं होना चाहिए और ये हमारा गेज फ्री होना चाहिए। सेटिंग हम इसकी कर रहे हैं यहाँ से क्योंकि वहाँ पहुँच नहीं सकते। और एग्जॉस्ट वाल का क्लियरेंस मिला है तो इस तरह से गेज हिलना चाहिए, साथ में इसका जो पुश रॉड है ये गोल गोल घुमाना है। अगर ये कहीं जाके आधा घूमने के बाद अटकता है, इसका मतलब हमारा पुश रॉड बेंड है। अगर पूरा सीधा होगा, सही सही होगा, तो हमारा पुश रॉड गोल और फ्री घूमेगा, यहाँ पे चाल नहीं आएगी और यहाँ पे क्लियरेंस रहेगा। ये जो हमने गैप रखा है यहाँ वाल के साथ, यहाँ नहीं रखा है, हमने केम शाफ्ट को यहाँ रखा है क्योंकि यहाँ पे सेटिंग करने की जगह नहीं होती है, जिसका अरेंजमेंट यहाँ पे है। तो कभी भी हम रोकर को सेट करते हैं और कहा जाता है कि हम टेपेट सेटिंग कर रहे हैं, तो सेटिंग हम इसी की करते हैं लेकिन वहाँ पहुँच नहीं सकते, इसलिए रोकर पे सेटिंग स्क्रू दिया हुआ है जो वाल और टेपेट के बीच में क्लियरेंस सेटिंग करने का अरेंजमेंट है यहाँ पे। इस तरह से सबको मिला लेना है। अगर फायरिंग ऑर्डर से मिलाना है तो 1, 5, 3, 6, 2, 4 करके भी आप मिला सकते हैं, लेकिन कंपनियों में अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है, इसको दो बार में घुमा के भी मिला सकते हैं। इसे लो स्पीड में चलाना सेफ रहता है, हाई RPM पे ये हाई RPM का इंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो केम शाफ्ट है, इसको, इसका अरेंजमेंट अगर हम डायरेक्ट वाल के साथ, ये जो हेड का वाल दिख रहा है, ये वाल दिख रहा है, अगर केम शाफ्ट को इस पे हम डायरेक्ट लगा दें तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा RPM पे नुकसान नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा RPM पे नुकसान होता किस लिए है इस इंजन में, क्योंकि ये लो RPM का होने का मेन रीज़न क्या है कि ये जो टेपेट देख रहे हैं, टेपेट के साथ पुश रोड लगा है, पुश रोड के साथ सेटिंग स्क्रू लगा है, सेटिंग स्क्रू के साथ रोकर लगा है, रोकर के साथ ब्रेकेट लगा है, ब्रेकेट के बाद ये जाके यहाँ से वाल को दबाता है। एक बार जब दबाया और बाकी स्ट्रोक होने से पहले अगर ज़्यादा RPM पे इंजन घूम जाएगा, ज़्यादा RPM पे घूम गया, तो वाल ऊपर आने से पहले ये फिर से दबा देगा वाल को। अब पूरा वाल ऊपर आने से पहले अगर इसने वाल को दबा दिया तो वाल इसको दबा देगा, जिससे ये मुड़ जाएगा। अब मुड़ने के बाद ये यहाँ से छटक जाएगा और छटक जाने के बाद इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी और टेपेट वगैरह भी जहाँ वहाँ लग के, अब पुश रोड यहाँ वहाँ लग के इंजन का ब्लॉक फट सकता है, रोकर
रोकर का पुश रोड बेंड हो सकता है, केम शाफ्ट टूट सकता है। तो अगर हाई आरपीएम का जो भी हमने इंजन देखा उसका जो केम शाफ्ट होता है वो डायरेक्ट वाल के ऊपर, केम शाफ्ट डायरेक्ट वाल के ऊपर होता है जैसे फोर व्हीलर वगैरह में, और केम शाफ्ट डायरेक्ट वाल को दबाता है। घूमने के बाद उसका जो ऊंचा वाला भाग होता है वो डायरेक्ट दबाता है और जिससे वो इंजन में आरपीएम ज़्यादा मिलता है। कभी हमने देखा कि 4000 आरपीएम से ऊपर जाने के बाद ये इंजन, अच्छा एक्सीलेटर दबाने के बाद ये 3500-2800 के बीच में इसका आरपीएम इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। लेकिन 4000 आरपीएम जाएगा कैसे? तो गाड़ी अगर ढाल पे उतर रही है और हमने, अगर इंजन का आरपीएम हमारा 2000 का है, हमने पाँचवें नंबर से चौथे नंबर में गियर डाला, डाउन गियर लगाया, उसकी जगह पाँचवें से चौथे में जाने की जगह पाँचवें से दूसरे में चला गया या पाँचवें से तीसरे में चला गया जंप करके, गियर लीवर खराब होने की वजह से या हमारा ध्यान कहीं और होने की वजह से गियर एंगेज हो गया, तो अचानक गाड़ी की स्पीड जो होती है वो इंजन को घुमा देगी, उल्टा हो जाएगा। जैसे पाइप में से पानी हम टंकी में भरते हैं छत के ऊपर, और अगर हम जब मोटर बंद करेंगे और टंकी फुल हो गई तो पानी, टंकी का पानी कुछ मात्रा में नीचे उतरता है पाइप के साथ जब तक हम पाइप निकाल ना दें, उसी तरह गाड़ी में इंजन गाड़ी को चलाता है। लेकिन ढाल पे अगर हमने गलत गियर का सिलेक्शन कर दिया गलती से या जानबूझ के, तो गाड़ी की स्पीड इंजन को घुमा देगी जिससे हमारा इंजन ज़्यादा आरपीएम पे चला जाएगा और उसे बोलते हैं ओवर रेस होना। और ओवर रेस अगर हो गया तो पुश रोड बेंड होगा, रोकर छटक जाएगा, रोकर का बोल्ट टूट जाएगा, वाल का स्प्रिंग छटक जाएगा, ये वाल का स्प्रिंग और कोई भी चीज़ घूमते हुए कहीं भी किसी भी चीज़ में घुस जाएगी जिससे हमारा इंजन का ब्लॉक फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेपेट के ऊपर हमने ये जो वीडियो बनाया है ये आपको कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, और अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।